देखिए, एक बाप के लिए बाप इंतजार करता है, बेटे का जो कामना करता है उसका एक ही कारण होता है कि अंत समय में यह मुझे कंधा देगा। लेकिन हम एक ऐसा बाप थे कि अपने दो बेटे को कंधा दिए हैं, इससे बड़ा बदनसीब बाप कौन हो सकता है। आज हम मेरा कहना ये है कि सबसे पहले तो देखिए, जब ही विकास पर जो एफ आई आर लॉग हुआ, वह औरत और मुना बलोच ने जा कर के झूठी एफ आई आर ये करवाया, उस केस का जो आईओ था उसने सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। विकास पर जितना भी केस डाला जाता था सब झूठा केस होता था, जिसे उब करके विकास ने जो है जान दे दिया। उसके बाद हम लोगों ने न्याय का मांग किया। मेरा बड़ा लड़का अमित झा जो है वो इस केस में 2.5 महीने तक वो दौड़ते रहा, परेशान हो गया, लेकिन कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं आती थी। आईजी के यहाँ से ऑर्डर आता था आपको, डीएसपी को जयंत भजबले, उसके बाद दानू रोड के डीएसपी सचिन पांडरकर, रोशन राज तिलक साहब को भी आया, ये लोग इन्वेस्टिगेशन करते ही नहीं थे, मैटर को जो है सो ये लोग लटका रहे थे। और इसका कारण था कि ये जितने भी आईओ थे ये सब आपको यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं मंजुनाथ सिंघे साहब, इनके अंडर में कार्यरत थे, और यूनुसे को बचाने के लिए मंजुनाथ सिंघे अपने प्रभाव से जांच को होने ही नहीं दे रहे थे। आप अगर सही से मंजूर जयंत भजबले साहब ने जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आप देखिए, या सचिन पांडरकर ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, ये लोग कुछ किया ही नहीं है। ये लोग समय पास कर रहा था, अमित को घुमा रहा था, हर ऑफिस में अमित को बुलाया जाता था, हर अधिकारी बुलाता था, और एक ही बात कहता था कि मैं इन लोगों पर कार्रवाई करता हूँ, तुम यूनुस शेख का नाम मत लो। अमित बोलता था अगर मेरे नाम लेने या ना लेने से फ़र्क नहीं है, अगर यूनुस से गुनाहगार है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन कोई भी ऑफिसर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ इतना ही सौदेबाजी कर रहा था, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा था, ये लोग सौदेबाजी कर रहा था कि यूनुस से का नाम मत लो, बाकी लोगों पर मैं कार्रवाई करता हूँ। आज भी अमित भी जान दे दिया, उसके बाद भी आज क्या हो रहा है? आज यूनुस से मैं कदम साहब से पूछा हूँ उस दिन की यूनुस शेख पर क्या कार्रवाई हुआ, वो बोलते हैं यूनुस शेख फरार है, मैं एक टीम उनके गांव भेजा हूँ। आज 1.5 महीने से मुना बलोच अरेस्ट नहीं हुआ, क्या ये बम्बई का पुलिस है? बोलता है महाराष्ट्र पुलिस इतनी ये है, लेकिन एक मुनाब जैसे मुजरिम को आज 1.5 महीने में अरेस्ट नहीं किया है। इससे साबित होता है कि कार्रवाई आज भी कुछ नहीं चल रहा है। अब क्या कारण है, ये लोग तीसरे व्यक्ति की आत्महत्या के लिए इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं, अभी तीसरा चाहिए, चौथा चाहिए, पांचवा चाहिए, 3 लोग तो और हम अपने परिवार में बचे हैं, एक एक करके हम सब लोग खुदकुशी कर लेंगे अगर न्याय नहीं मिला तो। हमारी शारीरिक स्थिति आप देखते हैं, हम आँख से देख नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं, हमारे सामने पूरी ज़िंदगी अभी पड़ी हुई है, अब हमारे ज़िंदगी का क्या होगा? आज मैं बिजनेस के लिए गांव में मकान बनाया, उसके लिए ये सब के लिए 15 लाख रुपया मैं कर्जा लेकर के बैठा हूँ, लोन लेकर बैठा हूँ, जिसका 40,000 रुपया मुझे EMI पर महीना भरना पड़ता है। आज ये कौन भरेगा? ये हमारे बेटे लोग काम करते थे, हम लोग ईमानदारी से मेहनत करते थे और हम लोग ये सब कर रहे थे, लेकिन आज ये भरने वाला कौन है? आज हमको देखने वाला कौन है? तो न्याय मिल गया ठीक है, नहीं तो हम लोग भी अपने बेटे के साथ रहेंगे जहाँ वो है, 3 आदमी और बचे हैं, एक एक करके जो है वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है कि देखिए, इस घटना का जांच जो है CBI से होना चाहिए, क्योंकि आज जो जांच कर रहे हैं कदम साहब वो एडिशनल DSP हैं, एडिशनल SP हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि वो मंजुनाथ सिंघे जो SP हैं उनके अगेंस्ट में रिपोर्टिंग कर सकते हैं क्या? आज DSP है जयंत भजबले, उसके अगेंस्ट में वो रिपोर्टिंग कर सकते हैं क्या? या एडिशनल SP है यहाँ पर रोशन राज तिलक, एडिशनल DSP है सचिन पांडरकर जो डानू रोड के DSP है, ये सब लोग सब शामिल है इस मर्डर में, ये आत्महत्या नहीं, ये मर्डर है, और इनके खिलाफ एक पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करेगा? पुलिस जब यूनुस शेख को का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक जिंदगी ले लिया, जो एक PI था
बाकी आपको डीएसपी के अगेंस्ट में करने के लिए हमको तो लगता है कि हम तीन लोगों का जान देने के बाद भी ये चीज़ नहीं होगा, कम पड़ेगा।